କବି ଶେଠ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ନୂଆ ପ୍ରତିଭା। ଏକାଧାରରେ ସେ କବି, ଗାୟକ ଓ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଭାରତୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନୁରି। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲେ ତାଙ୍କ କଲମ। ମୁମ୍ବାଇ IIT ରୁ ସ୍ନାତକ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି କବି ଶେଠ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନିଆରା ପରିଚୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁସ୍ତାସ। जिनके नाम में ही कवि हैं वो हैं कविश। सिर्फ गाना गाते हैं ये नहीं, सामाजिक मुद्दे से भी जुड़े हैं कवि शेठ। हमारे संग है कवि शेठ, उनसे बातें करते हैं। नमस्कार कविश जी, शायद आपके पैदा होने से पहले ही आपके परिवार को पता चल गया था ये बच्चा बड़े होकर कवि बनेगा, शायद इसलिए आपका नाम कविश रह गया। हाँ, तो मेरी माँ ने लाइक 4th क्लास में सोचा था कि मैं अपने बेटा हुआ तो नाम कविश रखूँगी, बेटी होगी तो कविशा रखूँगी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख पाऊंगा सही बताऊं तो। मतलब आर्टिकल्स भी कॉलेज में, स्कूल में जब आते थे 10-10 मार्क्स के, उसमें भी 3-4 ही मार्क्स आते थे तो। लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई नाम कविश है, नाम क्या होता है आखिरकार, एक दोस्त की तरह होता है जिसकी संगत रहती है आपकी ज़िंदगी भर, आपको उसी नाम से पुकारा जाता है जी। तो नाम मेरे साथ रहा तो नाम के साथ होने लगा मैं खुद, और फिर मुझे विश्वास हुआ कि नहीं नहीं लिख सकते ऐसा तो नहीं होगा जी। कविश जी, आपके बारे में जब बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम तब जाने जब एक उड़िया गाना बहुत ही हिट हुआ है, डाके रे डाके जनो माटी, जब वो गाना बहुत हिट हुआ उसके पीछे जुबान का एक बड़ा रोल था, तो कैसी है कहानी वो? तो जुबान प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ कलाकार, क्षेत्रीय कलाकार जो हैं वो साथ में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, नए गाने बनाते हैं, तो गाँव से लेकर शहर तक, सड़क से लेकर स्टेज तक हर जगह परफॉर्मेंस होती है जी। तो एक जब उड़ीसा आए थे हम, तो मैं 3 कलाकार बॉम्बे से, 3-2 कलाकार बनारस से आए थे, तो क्योंकि हम बहुत सारे शहरों में अब कर चुके हैं, कम से कम 25 शहरों में जुबान एक्टिव है। अच्छा, तो हम जब आए थे यहाँ पे कोलैबोरेट करने आए थे, हम यार ये तो कमाल है, हम कहाँ इधर उधर ढूंढ रहे हैं, यहीं पर। तो हम पता चला सरपंच हैं और सरपंच रह चुके हैं, तो उनके साथ फिर बैठ के बहुत म्यूजिक हुआ, और फिर हमने तय किया कि डाके रे किस पे म्यूजिक करेंगे, और उसको दो लाइन याद है आपको? डाके रे डाके जन्म माटी जी, ठीक है। मैं मेरी उड़िया ऐसी होगी, डाके रे डाके जन्म माटी, डाके रे डाके जन्म माटी, तहारी प्रगति लागे अस माया बंधन काटी, डाके जन्म माटी, डाके रे डाके जन्म माटी, ऐसे करके है। तो खैर ये उनके पिच से है, पर हाँ बहुत अच्छा गाया है उन्होंने और बहुत अच्छा लिखा भी है उन्होंने, बिस्वा मोहंती करके। तो जैसे कि मैंने आपका जितना गाना YouTube में सुना है, मुझे ऐसा लगा कि बहुत जगह कुछ बगावत होती है, बहुत जगह कुछ दिल की बातें होती हैं, जैसे कि हिंदी बोले तो बोले कि गवार हैं। बात है बॉम्बे में जी, मेरे एलुमनाई का बुक लॉन्च था जी, तो IIT के बुक लॉन्च था, तो मैं सोचा कि जाके सीख लेते हैं, मतलब जान लेते हैं कि क्या है भैया, स्टार्टअप्स पे था जी, कब तक सड़कों पर गाये हो जाएंगे। तो जब तक गया मैं जी, और Q&A सेशन शुरू हुआ, तो मुझे कुछ सवाल थे, मैं क्यू में लग गया, मुझसे पहले किसी ने हिंदी में सवाल पूछ लिया, हिंदी में क्या सवाल पूछ लिया, चलो पीछे मुड़ के देखे भी एक और हिंदी में बात कर रहा है साउथ बॉम्बे, तो मेरी भी हिचक बढ़ गई, मैं पीछे ही था, बोले यार ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं चला गया वहाँ से शर्मा के, और फिर मुझे गुस्सा आ रही थी, मैं शर्मा के क्यों गया, मैं क्यों नहीं बोल पाया, तो खुद पे बहुत गुस्सा थी। अच्छा। तो आक्रोश में मैंने चलते थे गाना लिखा था। अच्छा। तो सुना तो दो लाइनें जी, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, ओ काम आए तो भैया बस लोहार है, ओ काम आए तो भैया बस लोहार है,
छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते है, तो हार प्यार की न कौन औकात है, तो हार प्यार की न कौन औकात है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार। जैसे आप कह रहे थे कि आपका प्रोफेशन पेशन म्यूजिक ही है, हाँ, तो जिंदगी इसी में, जिंदगी इसी में चलती है, यही जरिया अभी तो जरिया यही है। हाँ, और बिल्कुल हमें बहुत मजा आता है, बहुत कुछ है करने को। क्या है करने को? अरे अभी तो हमने गाने भी रिकॉर्ड नहीं किए हैं। अच्छा। और अभी हम ये नूरी इंस्ट्रूमेंट है जो पीछे ये बना रहे हैं, ये नूरी, ये आपका खुद का इंस्ट्रूमेंट है, तो थोड़ी इस बारे में बताइए नूरी कैसे बनी, क्या है नूरी? नूरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें आप तीनों शैलियां बजा सकते हैं, यानी अरबिक हो गया, वेस्टर्न हो गया, इंडियन हो गया, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो जिसमें मतलब वायलिन है जिसमें करते हैं लोग, लेकिन मतलब गिटार सरोद और ऊद की बिरादरी का है, तो गिटार इंडियन में नहीं बच सकता, मकामत में नहीं बच सकता, सरोद हमारा वेस्टर्न कॉर्ड्स नहीं बजा सकता, तो इसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये इसलिए बनाई गई एक तरीके से ताकि कोलैबोरेशनल स्पिरिट है, जैसे मैं ज़बान के बारे में बात कर रहा था, तो इसमें भी कोलैबोरेशन स्पिरिट है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वर्ल्ड म्यूजिक के क्षेत्र का हो, इसमें आके अपने गाने बजा सकता है, गा सकता है। तो एक ये है बहुत ज़बरदस्त नूरी का कि वर्ल्ड म्यूजिक एक तरीके से इसमें मिल सकता है। अच्छा, कुछ झलक हो सकती है इसमें? हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जैसे आप कह रहे थे कि इसमें अफगानी का भी झलक आएगा, सितार का भी झलक आएगा। जैसे आपको अगर सितार से जैसे ये आपको ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो आप बजा सकते हैं, तो ये सेकेंड आइटरेशन है, दूसरा मॉडल है नूरी का। इसमें थोड़ी सी आवाज़ कम है क्योंकि भारी है, लेकिन तीसरी नूरी में ज़्यादा आवाज़ आती है। तो नूरी खुद में ही मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, मल्टी टैलेंटेड तो बन रही है अभी, जो बहुत ही यंग है, अभी जस्ट पैदा हुई है। अच्छा, कबीर जी अब तक आपने बहुत गाना गाया भी है, बहुत कविता लिखी भी है, तो अपने दिल को छूने वाली ऐसी कुछ लाइनें, ऐसी कुछ गाना जो दर्शक सुन सकें कि हाँ ये कवि को दिल को भी छू है। तो एक कविता तो जो मेरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैं अक्सर उसी से शुरू करता हूँ जी, अब मैं वही सुनाता हूँ जो आपको भी याद है। वो ऐसे है कि मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ, अपनी अना अपना होना दूसरों पे नहीं जताता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, समा जो भीतर मेरे आज है वही तो मेरा समाज है, इस समाज को अपने ख्यालों से बदलता जाता हूँ, इस समाज को अपनी बातों से बदलता जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, दोस्तों के संग मैं दोस्तों सा हो जाता हूँ, हवा का झोंका हूँ हवाओं में हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, आँख बंद करूँ तो पूरा हो जाता हूँ और आँख खोलूँ तो अधूरा हो जाता हूँ, मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ, इंसानों से मिलते मिलते मैं इंसान होता जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा
हो जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे लोग हैं वैसे आप भी बन जाते हैं और आपकी ज़िंदगी से चली कारवां ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कवि सेठ तंकर कथारु ही जाना पड़ता था, कविता रू जाना पड़ता कि तंकर इच्छा लोगों से तो मिसीबे नुआ संस्कृति से जानवे और उसी संस्कृति को प्रचार प्रसार करेंगे। भुवनेश्वर रीजनलिस्ट अब्दुल वाहिद साहब, अनुज दास, नंदी कोस्ट टीवी।